अब आ गए हैं हम 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। ठीक है, पहले जो है 1773 में ये सब कुछ नहीं किया गया था। जैसे ही 1774 पिट्स इंडिया एक्ट शुरू हुआ, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक दो चीज़ें हैं, याद रखिएगा, राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। फिर इसी एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, मतलब नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसे कहेंगे, नियंत्रण बोर्ड को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस एक्ट के तहत जो है नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, ऐसे भी IAS के पेपर में आ चुका है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से बीच बीच से क्वेश्चन बीच बीच से उठा लेते हैं, बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन या तैयार रखिएगा आप लोग, तो आप क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना, पूरी वीडियो देखिएगा तब, और नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी वीडियोस पाने के लिए, ऐसी वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, और 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये ध्यान देने की बात है। फिर गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई, भाई 1774 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही तो है। फिर यह दोनों अधिकार, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कार्नवालिस को प्राप्त किया, या लॉर्ड कार्नवालिस ने प्राप्त किया। ओके,